स्टॉक ऑप्शंस में ये सब चीज़ बहुत देखने को मिलेगा। जैसे नेस्ले इंडिया का चार्ट है और इसमें लिक्विडिटी का कमी रहता है। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 19,000 का स्ट्राइक प्राइस अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें देखिए लिक्विडिटी का कमी है। यहाँ पे देखिए कैंडल्स है ही नहीं, है ना, एंड मोमेंट पे भी नहीं है। लेकिन नेस्ले इंडिया का चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर कैंडल बना हुआ है, मूवमेंट है सब में, लेकिन यहाँ पे देखिए सीई में नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है। सी में लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा, लिक्विडिटी का कितना कम है। उसी जगह पे सेम स्ट्राइक पे 19,000 सी है ना, अब हम लोग क्या करें 19,000 टीई को देखते हैं, ठीक है। इसका स्ट्राइक पे जब ओपन करते हैं तो इसमें पूरा लिक्विडिटी अवेलेबल है ना। फिर उसी जगह पे देखेंगे 19,250 का सी देखेंगे तो सी में देखिए लिक्विडिटी का कमी है ना, लिक्विडिटी का कमी यहाँ तो कैंडल ही नहीं दिख रहा अब। उसी जगह पे 19,250 का पी देख रहे हैं तो इसमें लिक्विडिटी है। ऑप्शंस में ये बात का हमेशा याद रखना है, स्टॉक ऑप्शंस में खास करके, कि आप जब भी ट्रेड लगा रहे हैं तो ये एट द मनी है कि इन द मनी है कि आउट द मनी है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये देखना है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस में लिक्विडिटी अवेलेबल है या नहीं, मतलब कि जो प्रॉपर कैंडल्स है वो आपका वहाँ पे है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी स्टॉक्स में ट्रेड कीजिएगा तो इसको चेक कर लीजिएगा कि लिक्विडिटी अवेलेबल है या नहीं है।